देश में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर लगी रोक, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। राजस्थान ने तौकते तूफान को देखते हुए 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों समेत 4 मंत्री भेजे गए जेल। चक्रवर्ती तूफान तौकते का कहर, महाराष्ट्र के कोकट क्षेत्र में 6 की मौत। पीएम मोदी आज कोरोना के सर्वाधिक मामलों वाले राज्यों और जिलों के अधिकारियों से करेंगे वार्ता। कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण की सुस्त रफ्तार और उसकी राह में आ रही चुनौतियां। 23 मई को 14 घंटे के लिए बंद रहेंगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की NEFT सर्विस, RBI ने दी जानकारी। देश में अब तक करीब 18,44,00,000 लोगों को लगाया गया कोविड टीका। तबीयत में सुधार के बाद ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुए आजम खान, कोरोना से है संक्रमित। नारद स्टिंग केस में गवर्नर के आदेश तो भड़की TMC धनखड़ को बताया BJP का एजेंट। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।